SN Live सच सबसे आगे। सिवान के शुभम का पटना में हत्या, परिवार में पसरा सन्नाटा, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आंधर थाना के बरवा निवासी जग नारायण पाठक के पुत्र शुभम पाठक की हत्या की खबर मिलते ही गांव में शुक्रवार को मातमी सन्नाटा पसर गया है। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी है। ज्ञात हो कि दानापुर के मेनपुरा कब्रिस्तान में 22 नवंबर की रात अज्ञात बदमाशों ने शुभम पाठक की चाकू घोंपकर हत्या कर शव को फेंक दिया था। वहीं सूचना पर पहुंची दानापुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करा, स्वजनों को सौंप दिया। हत्या के बाद मेनपुर में दहशत का माहौल बना हुआ है। चर्चा के अनुसार शुभम की हत्या के पीछे उसके दोस्तों का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ने ही शुभम को घर से बुलाकर घटना को अंजाम दिया। 30 वर्षों से दानापुर में रहता था शुभम का परिवार। बरवा निवासी शुभम का पूरा परिवार करीब 30 वर्षों से दानापुर में रहता है। रिश्तेदारी व इष्ट मित्रों के यहाँ शादी होने पर ही परिवार के सदस्य गाँव आते हैं। गाँव में नहीं रहने के कारण इनके परिवार के लोगों को गाँव के कम लोग ही पहचानते हैं। बताते हैं कि शुभम के पिता जग नारायण पाठक कोलकाता में काम करते थे। नौकरी के दौरान ही कुछ वर्ष पूर्व उनकी मौत हो गई थी। उस समय उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे जिन्हें छोड़कर चले गए। उस समय से उनकी विधवा अंजू कुंवर अपने मायके दानापुर में भाड़ा के मकान में रहकर बच्चों का पालन पोषण करते आ रही है। वहीं गांव में उनके पट्टीदार के लोग रहते हैं। सिवान से सलाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने